हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमेजिंग ज्ञान टेक यूट्यूब चैनल, जो आपको हमेशा नॉलेजेबल वीडियो और जॉब अलर्ट्स देता रहेगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिबेट के बारे में और रिबेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी वीडियो को प्लीज लास्ट तक देख लीजिए, आपका पूरा जानकारी मिल जाएगा रिबेट के बारे में। और रिबेट का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटा सा वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लिया, मीन्स आपका रिबेट के बारे में जितना भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आपका क्लियर हो जाएगा। और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ उसमें उसके बारे में आपको भी पता चल जाएगा। इसमें मेन कंटेंट जो है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ रिबेट, उसका यूजेस और उसका जो फॉर्मूला रहता है 2D, वो फॉर्मूला देखेंगे। जैसे 1, 2, 3 यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद और एक पेज में देख सकते हैं कॉनिकल हेड, काउंटर हेड, सेक्रेट, ये सब। नेक्स्ट देखेंगे थ्रस हेड। और उसका और एक बात है, ये वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद फायदा आपको मिलेगा, मशरूम हेड का अदर नेम क्या है, थ्रस हेड का अदर नेम क्या है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट आपको रहेगा सिलेक्शन करेक्शन साइज ऑफ द रिबेट, मीन्स आपका सिलेक्टिंग जो हम कोई भी रिबेट का यूज करने का सिलेक्टिंग उसका करेक्ट साइज ऑफ रिबेट देखेंगे, उसका फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और एक आपके लिए है यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे डी इक्वल टू 1.22 रूट ओवर 3 वेरिएंस रूल, ये सब देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले रिबेट के बारे में। पहले हम देखेंगे स्नैप और कैप हेड रिबेट, स्नैप और कैप हेड रिबेट, उसका शेप ये, उसका ड्राइंग में इधर में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है उसका शेप, जैसे स्नैप और कैप मीन्स ये कैप का जैसा शेप है उसको, इसलिए कैप शेप हेड रिबेट बोलते हैं, और ये स्नैप हेड रिबेट उसको भी बोलते हैं। देन उसका ये फॉर्मूला क्या है, 1.6D, डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिबेट्स, मीन्स इसी का डायमीटर, ये है डी, डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिबेट्स। देन डी डायमीटर ऑफ द रिबेट हेड इज डैश, ये है रिबेट हेड, उसका हेड, इसको हेड बोलते हैं। इससे पहले मैं एक बोल चुका हूँ उसका पार्ट्स के बारे में, इसको हेड बोलते हैं। तो डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिबेट मीन्स आपका डायमीटर ऑफ द हेड 1.6, किसका, स्नैप और कैप हेड रिबेट का। इस वीडियो को आप पूछ करके उसको नोट कर लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगा हमेशा। डायमीटर ऑफ द हेड इक्वल टू 1.6D, देन हाइट 0.7D, देन ये स्नैप और कैप हेड रिबेट का शेप कैसे है, सेमी सर्कुलर शेप है, मतलब वो जैसे इधर आप देख सकते हैं, ये है सेमी सर्कुलर उसका शेप। एंड उसका यूज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट स्ट्रक्चरल वर्क मशीन रिबेटिंग। स्ट्रक्चरल वर्क मीन्स आपका जो ब्रिज, मान लो एक ब्रिज है, रेलवे का ब्रिज नहीं तो किधर एक ब्रिज, ब्रिजेस और मशीन रिबेटिंग, मशीन का असेंबली, सम असेंबली पार्ट रिबेटिंग होता है, ये सब जॉइंट, ये सब प्रोसेस के लिए यूज होता है हमारा स्नैप और कैप हेड रिबेट। नेक्स्ट देखेंगे पेन हेड रिबेट, PAN पेन हेड रिबेट, पेन हेड रिबेट का यहाँ पे ये उसका ड्राइंग है, पेन हेड रिबेट। पेन हेड रिबेट का सेम उसका डायमीटर मीन्स ये है रिबेट का डायमीटर्स, तो उसका डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ रिबेट इज 1.76D, नोट कर लीजिए। पेन हेड रिबेट का डायमीटर इज इक्वल टू 1.76D, ये जरूर क्वेश्चन आएगा आपका। डायमीटर ऑफ पेन हेड रिबेट इज डैश 1.76D, देन हाइट इक्वल टू 0.7, सेम हाइट आपका 0.7 रहेगा। और उसका यूज कहाँ होता है, हैवी कंस्ट्रक्शनल वर्क एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिबेटिंग, मीन आपका पान हेड रिबेट यूज कहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शनल वर्क और वेरी स्ट्रॉन्ग रिबेटिंग, जहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट वेरी स्ट्रॉन्ग चाहिए, वहाँ पे ये वाला हेड पान हेड रिबेट यूज करते हैं, पान हेड रिबेट, नोट कर दिए। नेक्स्ट देखेंगे फ्लैट हेड रिबेट, फ्लैट हेड रिबेट यहाँ पे उसका शेप देख सकते हैं, ये प्लेट है, उसको सेक्शन करके मैं दिखाऊं, ये पैन हेड रिबेट, सॉरी फ्लैट हेड रिबेट, फ्लैट हेड रिबेट का ये सेम उसका डायमीटर, देन उसका डायमीटर इज इक्वल टू डैश 2D, डायमीटर कितना रहेगा 2D, ये मैक्सिमम, उससे ज़्यादा है, जैसे स्नैप हेड रिबेट से, स्नैप हेड रिबेट का 1.6D, पैन हेड रिबेट का 1.7D, और उसका हाइट दोनों 7.7 था, लेकिन वहाँ पे फ्लैट हेड रिबेट में क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर इज इक्वल टू 2D रहेगा और हाइट 0.75 को रिप्लेस में 0.25D उसका हाइट रहेगा, ये है उसका हाइट।
और यहाँ पे ये इसका हाइट, इसको हाइट बोलते हैं। और उसका यूज क्या है, शीट मेटल फेब्रिकेशन वेयर मेटल इज वेरी थिन। जैसे फ्लैट हेड रिबेट कहाँ पे यूज होता है, शीट मेटल फेब्रिकेशन में, और जहाँ पे मेटल मीन्स दोनों मेटल का जॉइंट वेरी थिन, बहुत पतला रहता है, वहाँ पे फ्लैट हेड रिबेट यूज होता है। और हैवी फेब्रिकेशन वर्क में भी यूज होता है फ्लैट हेड रिबेट। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद कॉनिकल हेड रिबेट। कॉनिकल हेड रिबेट मीन्स आपका क्या होता है, कॉनिकल शेप, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉनिकल शेप एक हुआ है, ये है कॉनिकल शेप, कॉनिकल हेड रिबेट। कॉनिकल हेड रिबेट डायमीटर उसका क्या है, 2D, हाइट 0.5D, मीन्स ये सेम रहेगा 2D डायमीटर किसके साथ, फ्लैट हेड रिबेट के साथ, बट उसका हाइट कितना 0.25 था, लेकिन यहाँ पे उसका हाइट है 0.5D हाइट। और कॉनिकल हेड रिबेट में क्या होता है, उसका एंगल रहता है जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। और एक बार मैं बता रहा हूँ, कॉनिकल हेड रिबेट का डायमीटर है 2D और हाइट 0.5D, देन एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री उसका एंगल है। और उसका यूज कहाँ पे होता है, यूज फेब्रिकेशन वर्क वेयर द प्रोजेक्शन ऑफ द रिबेट हेड हैज़ टू बी अवॉइड्स काउंटर सिंक। जहाँ पे आपका काउंटर सिंक चाहिए, सॉरी जहाँ पे आपका काउंटर सिंक नहीं चाहिए वहाँ पे ये कॉनिकल हेड रिबेट यूज करते हैं, बट जहाँ पे आपका काउंटर सिंक चाहिए वहाँ पे जैसे ये एक काउंटर सेंक का और एक ये काउंटर सेंक का, ये दोनों भी आपका आता है कॉनिकल हेड रिबेट में, और उसका सेम आपका 2D और हाइट रहेगा 0.5D। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको पूरा आंसर देने के लिए और समझाने के लिए। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हमारा थ्रॉस हेड रिबेट। अभी अपकमिंग आपको आने वाला है, जैसे अदर नेम मौसम हेड रिबेट का अदर नेम क्या है देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है थ्रॉस हेड रिबेट, थ्रॉस हेड रिबेट TRUSH, थ्रॉस हेड रिबेट। यहाँ पे उसको भी अदर नाम उसका है, एक बार नोट कर दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉमन क्वेश्चन आता है। थ्रॉस हेड रिबेट का अदर नेम है लिपोस्ट रिबेट एंड मशरूम हेड रिबेट, तीनों नाम है उसका थ्रॉस हेड रिबेट का। और उसका डायमीटर इक्वल टू 0.3D, डायमीटर 0.3D, और उसका हाइट रहेगा सेम 0.3-0.2 रहेगा है उसका हाइट। नेक्स्ट उसके बाद है बिफ्यूट्रिकल, बिफ्यूसरेटेड रिबेट। जहाँ पे उसका शेप इधर ये देख सकते हैं, ये एक्चुअली ये एक रिबेट, देन उसका ये सेंटर में दो लास्ट में उसका टेल रहता है, टेल में ये कटिंग होता है दोनों साइड ऐसे टाइट करने के लिए, इसको बोलते हैं बिफ्यूसरेटेड रिबेट। जैसे ये 2 पार्ट ओनली असेंबली होता है और लाइट वर्क के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो है सिलेक्टिंग करेक्ट साइज ऑफ रिबेट। एक्चुअली करेक्ट साइज ऑफ रिबेट सिलेक्टिंग क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपका रिबेट का जैसे यूजेस, जैसे कंस्ट्रक्शनल वर्क और स्ट्रक्चरल वर्क और मशीनरी असेंबली पार्ट, वहाँ पे अलग अलग टाइप का रिबेट यूज होता है, जैसे फेब्रिकेशन वर्क में अलग टाइप का यूज होता है, वहाँ पे आपको ये उसका रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा और रूल अप्लाई करके रिबेट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, कौन सा हेड रिबेट आपको चाहिए यूज करना है। वहाँ पे यहाँ पे डी इक्वल टू 1.2 रूट ओवर टी, ये एक यूरेनियस रूल्स, ये आपको इम्पोर्टेंट पड़ेगा, इम्पोर्टेंट आ जाएगा। यूरेनियस रूल क्या है, डी इक्वल टू 1.2 रूट ओवर टी रूल्स, यूरेनियस रूल्स इन इंच यूनिट, इंच यूनिट में उसका डी इक्वल टू 1.2 रूट ओवर टी, बट वहाँ पे आपका मेट्रिक यूनिट में क्या आएगा, डी इक्वल टू 6 रूट ओवर टी, डी इक्वल टू 6 रूट ओवर टी मेट्रिक मोड में, वेयर डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिबेट, डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिबेट, ये एक आपको मान लो ये एक रिबेट है, इसका डायमीटर डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिबेट, देन टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट, मीन्स आपका ये दोनों प्लेट है, इसका थिकनेस टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट। यहाँ पे कुछ रिबेट हेड का उसका शेप यूजेस देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा स्नैप हेड रिबेट का, स्नैप हेड रिबेट का शेप, देन काउंटर सिकिंग का शेप, देन कॉनिकल हेड रिबेट, फ्लैट हेड रिबेट, पेन हेड रिबेट, ये उसका यूजेस और शेप।
लास्ट में देखेंगे जैसे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है डी इक्वल टू 1.2 रूट ओवर टी यूरेनस रूल इन इंच यूनिट्स, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। देन डी इक्वल टू 6 रूट ओवर टी यूरेनस रूल इन मेट्रिक, वर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिबेट, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट, बट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिबेट हॉल टू नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट एम इक्वल टू 1.5 डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। देन मैक्सिमम पीच इक्वल टू पी इक्वल टू 3 डी, देन मिनिमम पीच इक्वल टू पी इक्वल टू डी प्लस 30 mm, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रॉ ऑफ रिबेट टू डी प्लस 6 mm चैन रिबेटिंग द 2D इन जिगजैग रिबेटिंग, ये आपका मन एक फॉर्मूला है रिबेटिंग का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए एक बार। क्योंकि कोई भी रिबेटिंग ऑपरेशन में जैसे कोई भी रिबेटिंग जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे ऐसे नहीं यूज होता है ऐसे इधर एक लगा दो उधर एक लगा दो ऐसे नहीं होता है ऐसे, ये रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल को आप एक बार नोट कर लीजिए। और इसी के अंदर में आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एक आएगा कोई भी एग्जाम में, जैसे कोई भी ITI इसरो टेक्नीशियन BA DRDO जो भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारा YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट है इस वीडियो में तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।